नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? क्या आपके घर में वास्तु दोष है? अगर है तो आप भी अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर अपने घर का वातावरण मंगलमय बना सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत है कुछ प्रबल वास्तु दोष नाशक आजमाए हुए प्रयोग, जिनका प्रयोग करके आप अपने घर में महालक्ष्मी एवं शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा, 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और जहाँ जहाँ भी वास्तु दोष हो वहाँ इस चिन्ह का निर्माण करें। वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। अगर आपका रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में एक बल्ब लगा दें और सुबह शाम वह अनिवार्य रूप से जलना चाहिए। द्वार दोष हो या भेद दोष हो, उसको दूर करने के लिए शंख, सीप, समुद्री झाड़, कौड़ी, लाल कपड़े में या मौली में बांधकर उनको दरवाजे पर लटका दें। बीम के दोष को शांत करने के लिए बीम को सीलिंग टाइल से ढक दीजिए। बीम के दोनों ओर बांसुरी भी लगाएं। घर के दरवाजे पर लोहे की बनी हुई घोड़े की नाल लगाएं, जिसके दोनों किनारे ऊपर की ओर खुलने चाहिए, नीचे की ओर मुँह करके नहीं लटकाना है। और ये घोड़े की नाल अपने आप गिरी हुई होनी चाहिए या बहुत पुरानी होनी चाहिए, घिसी हुई होनी चाहिए, ना कि ताजी। घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार के एक ओर केले का वृक्ष और दूसरी ओर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। यदि आपने कोई भूमि खरीदी है और मकान बनने का योग अभी तक नहीं बन पा रहा है तो उस भूमि पर अनार का पौधा पुष्य नक्षत्र में लगा दीजिए। मकान बनने का योग शीघ्र ही बन जाएगा। यदि आपका मकान चारों ओर से बड़े बड़े मकानों से घिरा हुआ है तो उसके बीचों बीच में आप एक बहुत लंबा झंडा लगा दीजिए या फिर कोई ऐसा वृक्ष लगाइए जो बहुत ऊंचा हो। फैक्ट्री कारखाने के उद्घाटन के समय चांदी का सर्प पूर्व दिशा की भूमि में स्थापित करना चाहिए। अपने घर के उत्तर की दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने पूरे घर में हफ्ते में एक बार जरूर छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है तथा घर में शांति बनी रहती है। यह उपाय आप गुरुवार से शुरू करेंगे तो आपको अत्यंत ही लाभ होगा। अपने घर के मंदिर में घी का दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए और शंख की ध्वनि भी करनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह बाहर निकल जाती है। वास्तु दोष के कारण यदि घर के किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती है या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराना चाहिए। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प या हार रात्रि के समय हटा देने चाहिए। अपने वंश की उत्पत्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष घर के दोनों तरफ लगाने से घर में वंश वृद्धि होती है। यदि आपके घर के उत्तर दिशा में स्टोर रूम है तो उसे वहां से हटा दें। इस स्टोर रूम को आप अपने घर के पश्चिम भाग या नैऋत्य कोण में स्थापित कर सकते हैं। प्रातःकाल के समय एक कंडे पर थोड़ी अग्नि जलाकर उस पर थोड़ी गुगल रखें और ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार घी की कुछ बूंदें डालें। अब गुगल का धुआं अपने घर के प्रत्येक कक्ष में घुमा दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वास्तु दोषों का नाश होता है। घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प ना रखें। यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं तो उन्हें नए पुष्पों में लगा दें और सूखे हुए फूलों को बाहर निकाल कर फेंक दें।
अगर आपके घर के पास कोई नाला या कोई नदी इस प्रकार बहती हो कि उसके बहाव की दिशा उत्तर पूर्व को छोड़कर कोई और दिशा में है, तो उसका घुमाव घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो यह वास्तु दोष होता है। इसका निवारण यह है कि घर के उत्तर पूर्व कोने में पश्चिम की ओर मुंह किए हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति रखें या चित्र लगा दें। यदि घर में जल निकलने का स्थान या बोरिंग गलत दिशा में बन गया है, तो भवन में दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। यदि भवन में प्रवेश करते समय आपको खाली दीवार पर नज़र पड़े, तो उस पर भाव भंगिमापूर्ण गणेश जी की तस्वीर लगाएं या स्वास्तिक यंत्र का प्रयोग करके घर के ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। अपने घर में सप्ताह में कम से कम एक दो दिन तो नमक के पानी का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पूजा स्थान के ईशान कोण में जल रखने से या अग्नि कोण में दीपक जलाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। आपकी रसोई दक्षिण पूर्व में और पानी की व्यवस्था ईशान में तथा पूजा स्थान ईशान कोण में हो, तो आपके घर के वास्तु दोषों का शमन होता है। ये आजमाए हुए प्रयोग हैं। तो इन छोटे छोटे प्रयोगों को आजमाकर आप भी अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा निकाल सकते हैं और सभी वास्तु दोषों को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।